हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे एक और पिछली वीडियो में था कि मैंने रेड और सिल्वर लाइनिंग करी थी कार के इंटीरियर्स में, तो अब मैंने नई एक्सेसरीज मंगाई है जो है वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन जो लगाते हैं रियर व्यू मिरर्स पे, जिससे पानी नहीं बैठता उनके ऊपर बारिशों में। तो आपको पिछले जो रॉयल ड्राइविंग आपको जो देखना होता है मिरर यूज़ करने साइड मिरर्स, तो उसमें आपको भी दिक्कत नहीं आती। तो दिखाता हूँ क्या आइटम है। तो दोस्तों, ये आइटम वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन, और जैसे इसमें दिखा रखा है यहाँ पे, ये मैं रियर व्यू मिरर्स पे फिट करूँगा और उसके बाद देखते हैं कितना इफ़ेक्टिव है ये। जैसे इसमें लिखा है सुपर एंटी रेन, सुपर एंटी फॉग और एंटी ग्लेयर। देन उसके बाद आपका इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, देन आपको प्रोसीजर दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन है कि कैसे इसको पेस्ट करना है। तो ये मुझे पड़ा 299 का अमेज़ोन पे, ठीक है। आई थिंक डिलीवरी की कोई चार्जेस थे नहीं मेरे को। तो चलो इसको वो करते हैं, अनपैक और पेस्ट करते हैं मिरर्स पे। दोस्तों, ये है इसकी अनपैकिंग। तो ये है सामान इसके इसके अंदर जो शीट आई है। तो साइज़ तो काफ़ी डिसेंट है, देखो पैकिंग हिसाब से तो साइज़ तो काफ़ी डिसेंट है। शुड कवर अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ द ग्लास मिरर। तो उसको फिट करते हैं, अभी बारिश शुरू हो गई तो थोड़ी देर में फिट करता हूँ। शीशे तो मैंने ऑलरेडी साफ कर दिए, इसको चला फटाफट जाके फिट करते हैं। और उसके साथ ऑलरेडी अपने इसमें अटैचमेंट भी है कि फ्रंट बैक का, ये फ्रंट है और इसमें यहाँ पे बैक दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमें फिटिंग करनी है ताकि गलती ना हो और फ्रूटफुल रिजल्ट रहे। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से अब मैं टिश्यू पेपर से साफ करें ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे। ये दोनों तरफ के ग्लासेस में करता हूँ मैं, देन फाइनली इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड, बस होने वाला काम। तो ज़रा एंगल देख लो ड्राइविंग का, तो किधर आएगा, तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल सेंटर पे। अभी तो ये पूरी ब्लू है फिल्म, आई डोंट नो चिपकने के बाद कैसा इसका वो होगा, बट ठीक है, लगाता हूँ इसको मैं। इधर ही फिट होगी है, तो यही सही एंगल है मेरे को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, तो लगा के दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों लगा दिया मैंने इसको, फाइनली निकालना है। तो हल्के हल्के एयर बबल्स तो रह गए इसमें, तो राजा भाई इसको निकालते हैं फाइनली। तो ये ऐसे लुक देती है, तो एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा है कुछ लगा भी है। तो थोड़ी देर में इसको ट्राई करूँगा, इसको ट्रायल दिखाऊँगा। तो ये लगा दिया है दोस्तों मैंने लेफ्ट डोर पे, आई थिंक ठीक है। ये हल्का सा नीचे करना पड़ेगा, आई थिंक ठीक है ये। तो फिनिश करता हूँ इसको। सो दोस्तों, वर्क डन, और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा, अच्छी क्वालिटी की ये आप क्या शीट बोल सकते हो, फिल्म बोल सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो पता नहीं चल रहा, अब इसको थोड़ा सा थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, अब थोड़ा सा पानी डाल के टेस्ट करूँगा, वो भी दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल में इसका रिज़ल्ट है। ओके, तो दोस्तों इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। तो देखता हूँ पानी डाल के ग्लास के ऊपर कितना रुकता है, कितना क्लीन रहता है ग्लास। सो लेट्स सी। तो हाँ, पानी तो एकदम से उतर जा रहा है, लेकिन ख़ास तो मुझे फ़र्क नहीं लग रहा इसमें डाल के, कुछ ख़ास मुझे लग नहीं रहा कि फ़र्क पड़ेगा। वो ये कि पानी को स्कैटर कर दे रहा है बस ये, पर दाग अभी भी है ही पानी में इसके ऊपर। अब ये रियल टाइम बारिश वाले दिन ही पता चलेगा इसको यूज़ करके, तो उसका कमेंट में डाल दूँगा नीचे क्या रिज़ल्ट रहा बारिश वाले दिन का। बाकी वीडियो क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।